Hey guys, welcome back to our YouTube channel Garima Fashionista. I am Garima. I hope you are doing well. So, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्लॉथिंग हॉल फ्रॉम मिंत्रा. एंड इस हॉल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है कुर्ता सेट्स, गाउन एंड साड़ी. सो बने रहिएगा एंड तक एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट है वो है ये गाउन है एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप के बैग में है. तो इसको इस टाइप से ओपन करते हैं एंड ये है एक मरून कलर की गाउन. ये कुछ इस टाइप की गाउन है एंड ये मरून थोड़ा क्या थोड़ा पर्पल शेड भी है तो काफ़ी अच्छा शेड इसका लग रहा है. देन इसकी एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो एम्ब्रॉयडरी इसमें चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है एंड इसमें थोड़ा बीच बीच में सीक्वेंस वर्क भी दे रखा है. देन इसमें जो नेक है वो राउंड नेक है एंड स्लीव्स जो है वो थ्री क्वार्टर स्लीव्स हैं एंड इसमें इस टाइप का यहाँ पर बॉर्डर दे रखा है. जो एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी वही है सेम एंड काफ़ी अच्छी मुझे ये गाउन लगी एंड काफ़ी प्रिटी गाउन है ये. एंड इसमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे डिटेलिंग दे रखा है. यहाँ पे ये डोरी दे रखी है देन आप इसको टाई अप कर सकते हैं एंड पूरा इस टाइप का ये आपको ऐसे मिल जाता है. ऐसे करके पूरा काफ़ी हैवी वर्क है यहाँ पे. इस टाइप का यहाँ पे वर्क दिया है दोनों साइड में इस टाइप का. तो बेसिकली ये एक श्रग टाइप में है एंड ये जॉइंट है तो ये नहीं है कि इसको आप रिमूव कर सकते हो वैसा कुछ नहीं है. तो ये इसी में ही ये आगे एक इस टाइप का श्रग टाइप का दे रखा है. तो काफ़ी जो भी वर्क है वो बहुत ही हैवी वर्क है एंड काफ़ी फाइन वर्क है. इस टाइप का यहाँ पे इस टाइप का फील दे रखा है एंड इसमें मैं ऐसे सही से दिखा नहीं पा रही हूँ. आप साइड में देख रहे होंगे स्क्रीन पे उसमें प्रॉपर दिख रहा होगा कि किस टाइप की गाउन है. एंड अगर बैक में है तो बैक में तो ये पूरा प्लेन है, इसमें कोई भी वर्क नहीं दिया है एंड काफ़ी अच्छी लगी. एंड इसका जो ब्रांड है वो है कैवियस फैब एंड कैवियस फैब में पहले से भी मैं परचेस हूँ तो काफ़ी अच्छे मुझे इसके कुर्ता सेट लगे एंड काफ़ी क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं. प्लस इसमें जो इनका जो स्टाइल होता है पैटर्न होता है वो भी बहुत अच्छा होता है. तो मैं काफ़ी मतलब दो या तीन सेट में ले चुकी हूँ पहले भी. सो जो इसका प्राइस है वो है 6099 एंड आई गॉट 1990. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. अंडर 2000 में आपको इतनी प्यारी सी गाउन मिल रही है एंड अंदर जो है इसमें आपको पैडेड भी मिल जाते हैं. इस टाइप के यहाँ पे पैडेड भी मिल जाते हैं. आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं, बस एक हल्के से यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ पे एक स्टिचिंग हुई है, बाकी आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं. तो जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट फैब्रिक. ये गाउन मुझे काफ़ी अच्छी लगी. प्राइस वाइज तो बहुत ही अच्छी है, हैवी है. आप इसको चाहे तो वेडिंग में पहन सकते हैं या छोटे मोटे फंक्शन में भी आप इसको पहन सकते हैं. काफ़ी अच्छी गाउन लगी मुझे ये. जो नेक्स्ट है वो है ये टी ब्लू कलर में कुर्ती विद सरारा एंड काफ़ी ये मुझे इसका कलर बहुत ही प्रिटी लग रहा है. इस टाइप का ये कलर है, काफ़ी प्रिटी है एंड ये है इस कुर्ता इसका इस टाइप का ये कुर्ता दे रखा है. इसमें कोई वर्क नहीं है, इसमें गोल्डन कलर में इस टाइप का प्रिंट दे रखा है. गोल्डन फॉयल जो होता है ना उससे प्रिंट दे रखा है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ पे एक गोटा पत्ती की लेस मिल जाती है पतली सी इस टाइप से एंड इसमें कोई स्लीव्स नहीं है, ये स्लीवलेस है. राउंड नेक है यहाँ पे एंड इस टाइप का यहाँ पे फ्लेयर दे रखा. फ्लेयर बहुत ही अच्छा है. नीचे जो है इस टाइप की कोटा पत्ती की लेस मिल जाती हैं तीन एंड काफ़ी फ्लेयर अच्छा है यहाँ पे. इस टाइप का देखिए कितना सारा फ्लेयर है. तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये कुर्ती एंड इसका शरारा जो है ये इस टाइप का ये शरारा है. ये यहाँ पे इस टाइप का शरारा है एंड यहाँ पे जो है गोटा पत्ती की लेस मिल जाती है इस टाइप का एंड ऊपर जो है इलास्टिक दे रखी है. देन इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन फैब्रिक. देन इसका ब्रांड है वो है कालिनी एंड इसमें जो मैंने साइज लिया है वो है एम साइज. देन इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2499 एंड मैंने इसको जो लिया है वो 924 में लिया है. तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये कुर्ती भी सरारा से काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी प्रिटी कलर है एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा. आप इसको मतलब कहीं पे भी अगर आप फंक्शन में वेयर कर रहे हैं तो आप पूरे दिन के लिए आप वेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये है एक ब्लू कलर में कुर्ता विद प्लाजो एंड काफी अच्छा मुझे ये लगा. ये है कुर्ता एंड
इसमें इस टाइप का लॉन्ग कुर्ता दिया है। देन यहाँ पे ये इस टाइप की व्हाइट कलर की बटन दे रखी है। देन इसमें जो प्रिंट है वो फॉयल प्रिंट दे रखा है गोल्डन कलर में। एंड इस टाइप की यहाँ पे पाइपिंग पट्टी दे रखी है, थोड़ा सा रानी कलर में दे रखी है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ब्लू एंड रानी कलर। एंड इस टाइप के इसमें स्लीव्स दे रखी हैं, यहाँ पे भी इसमें बटन दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये जो नेक है वो कॉलर में दे रखा है, यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे बटन दे रखा है। एंड जो इसका ब्रांड है वो है सांग्रिया ब्रांड, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा सूट। एंड जो प्लाजो है वो इस टाइप का प्लाजो दे रखा, काफ़ी प्लाजो इसका जो है काफ़ी ब्रॉड में है। एंड इस टाइप का इसमें इस पूरे में इस टाइप की प्रिंट दे रखी है, टाइप की पूरे में प्रिंट दे रखी है। एंड यहाँ पे इलास्टिक दे रखा है, देन यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक रिबन दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा कुर्ता सेट। आप इसको डेली वेयर में भी आप वेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉलेज या फिर ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है, तो आप पूरे दिन के लिए इसको कैरी कर सकते हैं, आपको कम्फर्टेबल भी लगेगा, प्लस एक लुक भी आएगा अच्छा सा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस, नेक्स्ट है ये है नेवी ब्लू का कुर्ता सेट, एंड ये जोला ब्रांड से है, एंड काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी स्टाइलिश कुर्ता सेट है ये। सो यॉक पे इस टाइप का वर्क दिया हुआ है, एंड नीचे यहाँ पे आपके वेस्ट की जगह पे यहाँ पे प्लेट्स मिल जाती हैं। देन इस टाइप का इसमें नीचे इस टाइप का वर्क दिया हुआ है, एंड ये है मिरर वर्क, फर्स्ट मिरर वर्क है, एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। देन इसमें छोटे छोटे से इसमें सीक्वेंस भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी प्रिटी है। एंड जो इसमें मेरा साइज़ है वो एम साइज़ है। तो इसका जो फैब्रिक है वो पॉली जॉर्जेट है, एंड काफ़ी सॉफ्ट जॉर्जेट है। एंड अगर इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स इसमें इस टाइप की है, एंड ये है बेल स्लीव्स, एंड एक्चुअली ये सेमी बेल है, तो ज़्यादा इस यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इस टाइप की है तो काफ़ी प्रिटी लग रहा है ये। ऊपर जो है यहाँ पे लाइनिंग मिल जाती है, देन जो नीचे वेस्ट के नीचे यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं दी हुई है, तो काफ़ी स्टाइलिश लगता है ये टाइप का कुर्ता। एंड अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम कुछ इस टाइप का है, बेसिकली ये प्लाजो फॉर्म में है, एंड इस टाइप का ये बॉटम दिया हुआ है। ऊपर जो है आगे से प्लेन है, पीछे इलास्टिक दी हुई है, एंड पूरे में अंदर लाइनिंग दी हुई है। ऊपर जो है वो पॉली जॉर्जेट है, अंदर की लाइनिंग जो है वो आई थिंक थोड़ा सिल्क ब्रांड करके है। सो ये है दुपट्टा, एंड दुपट्टा काफ़ी सिंपल है, एंड इसमें इस टाइप की ये पतली सी यहाँ पे एक लेस मिल जाती है, बस बाकी सारा सिंपल है। तो कुर्ता काफ़ी हैवी है, तो इसलिए जो है दुपट्टे को काफ़ी सिंपल ही रखा गया है। तो ये, एंड इसका अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका है 3499, अराउंड 3500 का। तो 35 इसकी कॉस्ट थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, बट उसमें जो फॉल्स मिरर दिए हुए हैं तो उसमें थोड़ा सा डाउट है कि ये 2-3 वॉश में कहीं ये डल ना हो जाए। तो वैसे तो उसमें मेंशन है कि मशीन वॉश है, तो मशीन वॉश में ये है कि पता नहीं कि बाद में कहीं निकलने ना लगे, तो बस ये है थोड़ा सा कि फर्स्ट मिरर की वजह से इसका प्राइस जो है थोड़ा सा हाई है। अदरवाइज ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, स्टाइलिश है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, कंफर्टेबल है। तो जो नेक्स्ट है ये है एक साड़ी, एंड ये एक रॉयल ब्लू कलर में साड़ी है, एंड काफ़ी प्रिटी साड़ी है ये। एंड इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है पिंक कलर एंड थोड़ा सा ब्राउन कलर में है इस टाइप का। ये यहाँ पे इस टाइप का इसमें वर्क दे रखा है, काफ़ी अच्छा है। इसमें प्राइस है वो 2499 है, एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस ये साड़ी काफ़ी प्रिटी है। एंड जो इसका फैब्रिक है वो शिफॉन फैब्रिक है, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। तो ये कुछ इस टाइप की इसमें साड़ी है, ये है पल्लू इस टाइप का, एंड ये नीचे जो है इस टाइप का नीचे आएगा, बॉटम में आएगा, ये है इस टाइप का दिया हुआ है। इस टाइप की साड़ी काफ़ी प्रिटी लगती है, जिसमें फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट होता है, जैसे सिफॉन हो गया या सॉफ्ट वाला जो जॉर्जेट आता है वो, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी लगती है एंड काफ़ी स्टाइलिश भी लगती है। तो ये, एंड इसका जो ये ब्लाउज है, गोल्डन कलर में ब्लाउज है, ब्लाउज इसका थोड़ा फैब्रिक है वो थोड़ा हार्ड है, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा,
बट कोई नहीं, ये प्लेन ब्लाउज है तो आप कोई भी इस पे वेयर कर सकते हो, गोल्डन कलर का कोई भी आप रेडीमेड भी ले सकते हो, या फिर आप के पास गोल्डन कलर वैसे भी होते हैं तो आप इसमें स्टाइल कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी प्रीटी साड़ी लगी एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे काफ़ी कंफर्टेबल है। जब मैंने इसको वेयर किया था तो ये काफ़ी इजीली मैंने इसको वेयर कर लिया था। ये था मेरा मिंत्रा से क्लोथिंग हॉल एंड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो साइड में बेल आइकॉन बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, उससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।